हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सीए राज ककवानी और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज चार्ज ऑफ जीएसटी। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं टैक्सेबल टेरिटरी के बारे में। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बता चुका हूं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ सप्लाई नोटिफाई किए गए हैं जिसमें रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग दो बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन इज, जब गवर्नमेंट कहती है कि सो एंड सो ट्रांजेक्शन पे या सो एंड सो इवेंट होने पे जीएसटी लगेगा, तो वो जीएसटी किस एरिया में लगेगा, वो एरिया, वो लिमिट्स डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो लिमिट्स है, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, अगर इंडिया में जीएसटी अप्लाई हुआ है, इंडिया में सीजीएसटी लॉ पास हुआ है, तो इसका मतलब सीजीएसटी कहां पे लगेगा, इंडिया में लगेगा। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हो तो यूएस में अगर आपने किसी पर्सन को गुड सप्लाई किए तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? वो यूएस है। इंडिया का लॉ कहां पे अप्लाई होगा? केवल इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एरिया है, जो लिमिट्स डिफाइन की गई है अंडर सीजीएसटी एक्ट, उसको हम कहेंगे टैक्सेबल टेरिटरी। अब ये टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? तो लॉ ये कहता है कि जहां जहां पे सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट अप्लाई होता है, उस एरिया को टैक्सेबल टेरिटरी कहेंगे। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर वन। अब फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर टू क्या है? सो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं केवल सीजीएसटी एक्ट को कॉन्टेक्स्ट में रख के ही बात करूंगा। तो सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है? सीजीएसटी एक्ट सेज दैट सीजीएसटी एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पॉइंट नंबर वन क्या था? कि जिस एरिया में सीजीएसटी एक्ट अप्लाई होगा उसको हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल टेरिटरी। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है? कि सीजीएसटी एक्ट कहां अप्लाई होगा? इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर क्या है? हमारा टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि इंडिया क्या है। तो इसके लिए इंडिया की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सो फ्रेंड्स, इंडिया की डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन एक एरिया डिफाइन करती है विद इन विच अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर सप्लाई, है ना। इफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेस, तो क्या लगेगा फ्रेंड्स? जीएसटी लगेगा। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग इंडिया की डेफिनेशन। सो इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो एज पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सो इंडिया के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। इंडिया मीन्स इट्स टेरिटोरियल वॉटर्स, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वॉटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो दिस इज द लैंड बेस लाइन। ठीक है, ये क्या है? लैंड बेस लाइन। लैंड बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, ठीक है ना, ऑफशोर एरिया, उसको हम क्या कहेंगे? टेरिटोरियल वॉटर्स। टेरिटोरियल वॉटर्स से
24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको हम कहेंगे कंटेजियस जोन, और टेरिटोरियल वाटर से जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो फ्रेंड्स, अगर इंडिया के लैंड पे यानी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में या फिर उसके टेरिटोरियल वाटर्स में या फिर उसके कंटेजियस जोन में या फिर उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, है ना, इस एरिया तक अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो उस पर क्या लगेगा फ्रेंड्स, जीएसटी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स। आपने सुना होगा कि ये जो एरिया है अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनका यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, और फॉर मरीन और साइंटिफिक रिसर्च, या फिर अगर एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं तो वहां पे विंड और अदर प्रोजेक्ट्स डाले जाते हैं। ठीक है, विंड प्रोजेक्ट्स मतलब विंड मिल की बात कर रहा हूं। ठीक है, कई बार वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बसाए जाते हैं। क्यों बसाए जाते हैं, क्योंकि ताकि वहां पे किसी भी तरह की साइंटिफिक रिसर्च की जा सके। ठीक है, तो अगर इन सभी चीजों में से कोई भी एक्टिविटी हो रही है एंड इफ इट इज कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ये सभी एक्टिविटीज करने के लिए कोई सपोर्ट सर्विस ली जा रही है एंड इफ इट इज कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस पर क्या लगेगा फ्रेंड्स, जीएसटी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है फाइन। तो इसीलिए डेफिनेशन ऑफ इंडिया पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक एरिया डिफाइन करता है विद इन विच अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द एयर स्पेस अबोव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। तो आपका जो बेस लाइन है वहां तक, और बेस लाइन से आगे जो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, आपके टेरिटोरियल वाटर्स। तो टेरिटोरियल वाटर्स तक का जो एयर स्पेस है, उस एयर स्पेस को टैक्सेबल टेरिटरी की डेफिनेशन में कवर किया गया है। ठीक है, तो एयर स्पेस कहां तक का कवर हुआ, अप टू टेरिटोरियल वाटर्स। अगर कोई कंटेजियस जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर का जो एयर स्पेस है, क्या वो इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, वो इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो एयर स्पेस इंडिया की डेफिनेशन में कहां तक का इंक्लूड किया गया है, एयर स्पेस अप टू योर टेरिटोरियल वाटर्स। अब फ्रेंड्स, ये जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, है ना, तो ये टेरिटोरियल वाटर्स तक का जो एयर स्पेस है उस पे कंट्री के सॉवरिन राइट्स होते हैं, मीनिंग देयर बाय ये जो एयर स्पेस है ये स्ट्रिक्टली उस कंट्री को बिलोंग करता है, और इस एयर स्पेस का यूज अगर किसी और कंट्री को करना है तो उसके लिए कंट्री की स्पेसिफिक परमिशन लेना जरूरी है। इस टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर अगर एंटर होना है तो भी कंट्री की परमिशन लेना जरूरी है। जबकि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये जो एरिया है विच इज 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स, इस एरिया के अबव जो एयर स्पेस है उसका अगर किसी और कंट्री को यूज करना है फॉर एनी पर्पस, तो उसके लिए इंडिया की स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये केवल दिया गया है कंट्री को फॉर साइंटिफिक रिसर्च, है ना, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड मिल एंड अदर प्रोजेक्ट्स फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी और फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है फाइन। अब विद इन दिस टैक्सेबल टेरिटरी जीएसटी तो लगेगा, लेकिन किन रेट्स पे लगेगा, तो कुछ रेट्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। प्रेजेंटली नोटिफाइड रेट्स आर 0%, 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% एंड 14%। और ये रेट्स कहां पे नोटिफाई किए गए हैं, अंडर सीजीएसटी एक्ट। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो उस पर क्या लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अगर सीजीएसटी 2.5% लगेगा तो एसजीएसटी भी तो 2.5% लगेगा, मतलब टोटल कितना लगेगा फ्रेंड्स, 5%। ये जो सीजीएसटी एक्ट हम पढ़ रहे हैं यहां पे अगर 2.5% लिखा है, तो उसी तरीके से अगर आप एसजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी यही रेट्स नोटिफाई किए होंगे। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो क्या 9% टैक्स लगेगा, नहीं,
अगर वो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, मतलब 18% लगेगा। ठीक है, और क्या लिखा है, आईजीएसटी इज द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40%, मतलब अगर किसी ट्रांजेक्शन पे 2.5% सीजीएसटी है तो उस पर 2.5% एसजीएसटी होगा, और आईजीएसटी कितना होगा अगर वो इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी इज द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब अगर सीजीएसटी 2.5 है तो एसजीएसटी कितना होगा 2.5, तो टोटल कितना होगा 5%। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज क्या होता है ये हम लोग पहले समझ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। व्हाट हैपेंस इन रिवर्स चार्ज इज सप्लायर विल सप्लाई गुड्स और सर्विस टू द रेसिपिएंट। मान लीजिए सप्लाई की वैल्यू है 100 रुपीज और उस पर जीएसटी लगता है 5%। सो व्हाट रेसिपिएंट विल डू इज रेसिपिएंट विल पे 100 टू सप्लायर, और जो 5 रुपीज या 5% जो जीएसटी है वो रेसिपिएंट डायरेक्टली पे कर देगा गवर्नमेंट को, और क्या ले लेगा उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले लेगा। सो ये होता है रिवर्स चार्ज, जिसमें रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, सप्लायर को नहीं देता। सो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 स्पीक्स अबाउट रिवर्स चार्ज। तो आइए देखते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। टैक्स पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर रिवर्स चार्ज, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी शैल बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इन द फॉलोइंग केसेस। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्या बोला है कि जो गुड्स एंड सर्विसेस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं केवल उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या लगेगा फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज लगेगा, जिसमें रेसिपिएंट को गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करना होगा। और ये जीएसटी काउंसिल क्या है, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन जीएसटी काउंसिल, ये भी आपको पहले बताया हुआ है। सो जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजरी। इट विल एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू जीएसटी। अगर कोई भी इशू है, कोई पॉलिसी फॉर्म करनी है, तो वो कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को वो एक्सेप्टेबल लगता है तो वो उसको थ्रू अ नोटिफिकेशन जीएसटी एक्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। सो those transactions, those supply of goods or services as notified by the government on recommendation of council, उन पे क्या लगेगा friends, reverse charge लगेगा। Section 9 subsection 4 क्या कहता है, supply of taxable goods or services or both by an unregistered supplier to a registered person। मान लीजिए आप supplier हैं लेकिन आप GST में registered नहीं है, आप क्या हैं, unregistered। आपने सप्लाई किया एक रेसिपिएंट को जो कि क्या है, रजिस्टर्ड। तो अगर एक रेसिपिएंट जो कि रजिस्टर्ड है वो गुड्स परचेस कर रहा है या सर्विसेज ले रहा है किससे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो इस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सभी ट्रांजेक्शन पे होगा, नहीं, ये भी केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन पे होगा जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, केवल उन्हीं सप्लाई ऑफ गुड्स या उन्हीं सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे होगा जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। सो रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कौन कौन से गुड्स और कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, सीजीएसटी एक्ट में जो गुड्स नोटिफाइड हैं जिन पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है वो आपके कोर्स में नहीं है, केवल जो सर्विसेज नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 वही हमारे कोर्स में है। इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज सीजीएसटी एक्ट में नोटिफाइड है वही एसजीएसटी एक्ट में भी नोटिफाइड है और वही
आईजीएसटी एक्ट में भी नोटिफाइड है फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्स चार्ज, लेकिन आईजीएसटी एक्ट में कुछ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज भी नोटिफाइड है जो हम पढ़ेंगे सीए फाइनल लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है सीजीएसटी एक्ट। जो एसजीएसटी एक्ट है वो सीजीएसटी एक्ट की तरह ही होता है, बट देर आर सर्टेन माइनर डिफरेंसेस बिकॉज एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट का अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र का होगा महाराष्ट्र जीएसटी, गुजरात का होगा गुजरात जीएसटी, वो होगा बिल्कुल सीजीएसटी की तरह ही बट विथ सर्टेन माइनर डिफरेंसेस। तो हमारे कोर्स में किसी भी स्टेट का जीएसटी नहीं है बल्कि क्या है, केवल सेंट्रल जीएसटी। और आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी के कुछ पॉइंट्स आपके कोर्स में है, उसके अलावा के जितने भी पॉइंट्स है मैक्सिमम पूरा आईजीएसटी एक्ट जो कवर होगा वो होगा आपके सीए फाइनल लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से। फर्स्ट इज RCM इन केस ऑफ GTA सर्विसेस। सो प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज GTA विच इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होता है? सो अगर कोई ट्रांसपोर्टर आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने के साथ वो इश्यू करता है एक कंसाइनमेंट नोट। ठीक है, अगर एक ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है और जैसे ही आप उसको गुड्स देते हैं तो गुड्स के अगेंस्ट में वो आपको क्या देता है, कंसाइनमेंट नोट, तो उसको हम कहेंगे GTA, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है ट्रांसपोर्टर, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है तो उसको हम GTA नहीं कहेंगे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? फाइन। अब ये कंसाइनमेंट नोट क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे ही ट्रांसपोर्टर कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, सो इट इज अ प्रूफ दैट द लीन ऑफ द गुड्स इज विद ट्रांसपोर्टर एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ लोडिंग टू द प्लेस ऑफ अनलोडिंग गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, ट्रांसपोर्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। अब इस कंसाइनमेंट नोट्स में डिटेल्स क्या होती है? सो कंसाइनमेंट नोट्स में डिटेल होगी कंसाइनर की, जो सप्लायर है उसकी, कंसाइनी की। ठीक है, किस व्हीकल में जा रहे हैं उस व्हीकल की डिटेल्स होगी, किस तरीके के गुड्स जा रहे हैं उन गुड्स की डिटेल्स होगी, और इस तरीके की और भी डिटेल्स होंगी। क्लियर है यहां तक? फाइन। सो अगर कोई ट्रांसपोर्टर कंसाइनमेंट नोट इशू करता है आपको, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो ट्रांसपोर्टर को कहेंगे हम GTA, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। नाउ हु इज रिसीवर ऑफ सर्विस? प्रोवाइडर ऑफ सर्विस क्लियर है, GTA है। रिसीवर ऑफ सर्विस कौन है? रिसीवर ऑफ सर्विस इज अ फैक्ट्री और अ रजिस्टर्ड सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ और पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST और अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर रिसीवर ऑफ सर्विस इनमें से कोई भी है, इनको हम कहेंगे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। तो अगर रिसीवर ऑफ सर्विस इन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में से कोई भी है, तो इन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को RCM में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? तो कौन सी सर्विस नोटिफाइड है? GTA सर्विस, जिसमें प्रोवाइडर ऑफ सर्विस कौन है? GTA, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रिसीवर कौन है? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। और अगर इन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में से किसी को भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, थ्रू होम, थ्रू GTA, और GTA कौन है? जो कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। तो टैक्स कौन पे करेगा गवर्नमेंट को? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, जिसने ये सर्विस अवेल की होगी GTA से, वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। सिंपल। अब पर्सन लायबल टू पे टैक्स। तो फ्रेंड्स, अगर GTA खुद कस्टमर से 12% टैक्स चार्ज करता है, GTA खुद
अगर जीटीए खुद रजिस्टर्ड है और वो कस्टमर से 12% टैक्स चार्ज करता है, मतलब बेसिक वैल्यू प्लस 12% का इनवॉइस बना के कस्टमर को देता है, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। और किसी भी रेसिपिएंट को, यानी अगर वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो या कोई और रेसिपिएंट हो, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जीटीए 12% चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर से, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। टैक्स कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को। जीटीए विल पे द टैक्स, अपने कस्टमर से जीटीए कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। आईटीसी अवेलेबल टू जीटीए। जीटीए ने कोई भी इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स लिए होंगे, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीटीए ले पाएगा। क्लियर? अगर जीटीए अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करता है, यानी वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, जो ऊपर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स दिए हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उनसे टैक्स चार्ज नहीं करता है, तो आरसीएम अप्लाई होगा और जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? और इस केस में जीटीए को किसी भी तरह की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जीटीए के लिए कैसा सप्लाई है, ये एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है जिसमें जीटीए ने आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया। और उस पर टैक्स कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट खुद ही गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वो जीटीए को नहीं दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? 12% होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, 5% होगा तो आरसीएम अप्लाई होगा। अब व्हेन रेसिपिएंट इज नॉट अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, ऊपर जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की लिस्ट थी, बॉडी, कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, उनमें से कोई भी नहीं है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, उनमें से कोई भी नहीं है, उसके अलावा कोई है, मान लेते हैं उसके अलावा क्या हो सकता है फ्रेंड्स? कोई इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, है ना, आपकी मेरी तरह, या फिर और कौन हो सकता है? एचयूएफ, ऊपर एचयूएफ की भी तो बात नहीं की, एचयूएफ हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर हो, उसको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या आरसीएम लगेगा? आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है। आरसीएम किन केसेस में लगेगा? केवल जब सर्विस प्रोवाइडर जीटीए हो एंड रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। ठीक है, तो व्हेन रेसिपिएंट इज नॉट अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट एंड, तो अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, तो एक तो क्लियर है कि आरसीएम नहीं लगेगा। अब हम चेक करेंगे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा कि नहीं। एंड जीटीए इज नॉट चार्जिंग 12%, जीटीए 12% टैक्स भी चार्ज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, या फिर वो सभी ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें क्या है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, वो कभी भी कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करता। उसके केस में क्या है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। अगर वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को भी सप्लाई करता है, तो उस पर वो टैक्स चार्ज नहीं करता है, जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है वही रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो जीटीए अगर 12% टैक्स चार्ज नहीं कर रहा है और रेसिपिएंट वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स नहीं है, तो उस केस में जीटीए सर्विस एक एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा। मान लीजिए आपको अपना घर शिफ्ट करना है या कोई ऑफिस शिफ्ट करनी है, ठीक है, तो आपने एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को बुलाया, जिसने, आपने उसको सामान दिया और उसने आपको क्या दिया, एक कंसाइनमेंट नोट, तो वो कौन हुआ? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, है ना। और आप कौन हो? एक एंड कंज्यूमर, एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। तो उस केस में जीटीए अगर आपसे टैक्स चार्ज नहीं करता है, तो आपको भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं और आप वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स नहीं है, और आपके लिए सप्लाई एक एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। हाउएवर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए by way of transport of goods in a goods carriage to a department of central government, state government, union territory or local authority or government agency which has taken registration under the CGST Act only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.
फ्रेंड्स ये पॉइंट क्या कहता है, तो सेक्शन 51 वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी अगर कोई जीटीए किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड तो करता है, लेकिन उसके गुड्स एंड सर्विस टैक्सेबल नहीं है। किसके गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स मैं, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर क्या है गवर्नमेंट एजेंसी, वो जो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा अंडर सेक्शन 51 की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने के लिए। अब सेक्शन 51 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अगर ये किसी से गुड्स या सर्विस लेती हैं और वो जो गुड्स और सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दैट इज मोर देन 2.5 लाख रुपीज, ठीक है, अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, क्या वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, जो गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट एजेंसीज या लोकल अथॉरिटी या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, किससे ले रही है, किसी सप्लायर से ले रही है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, तो इन गवर्नमेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करना। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए नहीं मान लेते 260,000 रुपए है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो 260,000 पे नहीं करेगी, 260,000 में से टीडीएस डिडक्ट करेगी और बाकी का अमाउंट सप्लायर को पे करेगी। तो ये पर्पस के लिए अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने टीडीएस काटने के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिया गया है, सेक्शन 51 की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिया गया है, और अगर ऐसे डिपार्टमेंट को, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी को अगर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? ऐसा कब होगा फ्रेंड्स? रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज जो गुड्स एंड सर्विसेज ये गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड कर रही है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं है, और उनको इन गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पे करने की वजह से रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ रहा है। उनको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है? उनको रजिस्ट्रेशन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहे हैं और उनके सप्लायर के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2.5 लाख से ज्यादा, तो सेक्शन 51 कहता है कि गवर्नमेंट एजेंसी को, लोकल अथॉरिटी को टीडीएस कट करके ही पेमेंट देना है, और वो टीडीएस कट करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ टीडीएस डिडक्टर, एज अ टैक्स डिडक्टर। तो जब कोई गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेता है और उसको किसी जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड की, तो जीटीए ने जो सर्विस प्रोवाइड की वो एग्जेम्प्ट है, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। नोट नंबर 1 इज इन केस ऑफ अबव सर्विस, मतलब जीटीए सर्विस, द पर्सन हु इज लायबल टू फ्रेट, लायबल टू पे फ्रेट शेल बी डीम्ड टू बी द रिसीवर ऑफ सर्विस। मतलब जो जीटीए को फ्रेट पे करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज करेगा, वही तो जीटीए को फ्रेट पे करेगा, वही क्या होगा, ही शुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो मैंने जो आपको बताया, जो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज करेगा वही क्या करेगा, जीटीए को फ्रेट पे करेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए को टैक्स पे, सॉरी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आरसीएम की सर्विसेज के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।